वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ न्यूज हाइस, जहां पे हम लोग सिनेमा जगत की छोटी से लेके बड़ी खबरों के ऊपर बात करते हैं। और भाई ये हफ्ते बहुत ही तगड़ी तगड़ी खबरें आई हैं, जहां पे फटाफट इन पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली खबर आती है शाहरुख खान और बेटी सुहाना खान की किंग मूवी को लेके। तो इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का एक एक्सटेंडेड कैमियो था, तो अब उस कैमियो को बदल के उनके कैरेक्टर को वापस से लिखा गया है और उनको प्रॉपर एक अच्छा कैरेक्टर दिया गया है, जहां पे अब शाहरुख खान इसमें मेन कैरेक्टर होने वाले हैं और सुहाना खान फीमेल लीड में होंगी। तो भाई अब इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और शाहरुख खान वापस से अपने पुराने अवतार में दिखेंगे, क्योंकि ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर है। तो देखते हैं भाई कैसा होता है। जहाँ पे अगली खबर आती है अक्षय कुमार को लेकर, तो अक्षय कुमार अपना साउथ का डेब्यू करने वाले हैं मूवी कनप्पा से, जिसके अंदर प्रभास पहले से ही भगवान शिव शंकर का रोल प्ले कर रहे थे और मोहनलाल भगवान ब्रह्मदेव का रोल प्ले कर रहे थे। वहीं पे अब भगवान विष्णु का रोल प्ले करने के लिए चुना गया है अक्षय कुमार को, जिससे वो अपना साउथ का डेब्यू भी करेंगे और एक और बार यानी कि शायद से तीसरी बार भगवान का रोल प्ले करेंगे। तो देखते हैं भाई ये कैसा होता है। एंड इट फील्स लाइक की मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर तुम्हें कनप्पा की स्टोरी पता है तो। यहाँ पे अगली खबर भी अक्षय कुमार से ही आती है, यानी कि उनकी मूवी से वेलकम टू द जंगल, जहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद मूवी के अंदर दो और कैरेक्टर्स को शामिल किया गया है अपने जैकी श्रॉफ और दूसरे हैं आफ्ताब शिव दस्सानी। इन दोनों ही एक्टर्स को मूवी में कास्ट किया गया है। अब इनके क्या रोल्स होंगे कैसे होंगे वो सब तो भाई मूवी में पता चले, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग भरे पड़े हैं। जहाँ पे अगली खबर आती है पुष्पा 2 को लेके, तो पुष्पा 2 के जो डिजिटल राइट्स है वो नेटफ्लिक्स को बेच दिए गए हैं और तुम मानोगे नहीं कितने में बेचे हैं, ऑलमोस्ट 250 करोड़ में, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट मूवी है जिसके डिजिटल राइट्स इतने में बिके हैं। इससे पहले ट्रिपल आर थी जो 170 करोड़ में बिकी थी, लेकिन अब इसके जो डिजिटल राइट्स हैं वो 250 करोड़ में बिके हैं, यानी कि ये इंडिया की हाईएस्ट मूवी बन चुकी है जिसने ऐसा औहदा कमाया है। जहां पे अगली खबर आती है सलमान खान से लेके, तो सलमान खान की जो मूवी थी जिसने सबसे ज्यादा सभी के दिलों में राज किया था वो है बजरंगी भाईजान, जिसका जो सेकेंड पार्ट है उसकी प्रिपरेशन चालू हो गई है और इसकी कहानी को कंप्लीट कर दिया गया है, इसकी स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया गया है। जहां पे इसी के साथ राउडी राठौड़, नहीं मैं अक्षय कुमार के राउडी राठौड़ की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी जो ओरिजिनल मूवी थी जिसमें रवि तेजा काम किए थे उसकी भी स्क्रिप्ट के पार्ट 2 को लॉक कर दिया गया है और इन दोनों के ही नरेशंस अभी दोनों स्टार्स को होने वाले हैं। फिर देखते हैं भाई आगे कैसी प्रोसेस होता है, जैसे होता है मैं बता दूंगा। जहां पे अब बढ़ते हैं भाई अगली खबर की तरफ, जो कि आती है टाइगर श्रॉफ से लेके, तो भाई इस बंदे का ना नसीब सच में खराब चल रहा है। ऑब्वियसली भाई मूवी खराब चुनेगा तो नसीब भी खराब होगा ही ना। तो टाइगर श्रॉफ की जो मूवीज थी जैसे कि रॉम्बो और हीरो नंबर 1, इन दोनों ही मूवी को शेल्फ कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है, अब इन पे काम नहीं होगा बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द पास्ट मूवीज। और भाई ये एक स्वाभाविक सी बात है यार, तुम अगर अच्छी फिल्में नहीं बनाओगे तो एक टाइम के बाद तुम्हारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो तुम्हारी मूवीज पब्लिक नहीं देखेगी। सो यू हैव टू मेक अ गुड मूवी, उसके लिए तुम्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए और उस अच्छी स्क्रिप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और ये खबर भी आती है शेल्फ होने से ही, यानी कि मूवी बंद होने से ही। तो इमरान खान जो कि बहुत पुराने ही एक्टर हैं, जिनके गाने हम लोग सुनते आ रहे हैं, उनकी मूवी जो कि अपनी कमबैक मूवी करने वाले थे, जो कि एक्शन थ्रिलर होने वाली थी, एक स्पाई एक्शन थ्रिलर होने वाली थी, वो शेल्ड हो चुकी है, यानी कि वो भी बंद हो चुकी है। और उसका रीज़न ये सामने आ रहा है कि जियो और हॉटस्टार का जो मर्जर हुआ था लास्ट ईयर, उसकी वजह से ये मूवी को शेल्ड कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जहां पे अब इमरान खान कोई अच्छी स्क्रिप्ट देख रहे हैं जहां पे उन्हें अपने कमबैक का एक और अच्छा मौका मिल सके। अगली खबर आती है हमारे हनुमान मूवी के जो एक्टर थे यानी कि तेजा सज्जा, उनकी नई मूवी का टाइटल आ चुका है मिराई। अब आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो तुम जमा लेना भाई। तो ये एक एडवेंचरस मूवी होने वाली है, यानी कि एक थ्रिलर एडवेंचरस मूवी होने वाली है, जिसका फर्स्ट पोस्टर सामने आया, उसका टाइटल भी सामने आ गया। तो अब देखते हैं भाई, इससे भी एक अच्छी हाई होप्स रहेंगी, देखते हैं भाई बंदा कैसे कितना परफॉर्म करता है। जहाँ पे अब बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि हनुमान मूवी से ही आती है, यानी कि हनुमान मूवी के जो डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा, उनसे आती है। तो प्रशांत वर्मा और रणवीर सिंह आपस में कई महीनों से बातचीत कर रहे हैं ताकि रणवीर सिंह को एक अच्छा खासा रोल मिल सके, एक अच्छे खासे कैरेक्टर और एक अच्छी खासी मूवी में, जो कि डायरेक्टेड रहेगी प्रशांत वर्मा से और उसमें एक माइथोलॉजिकल यानी कि हमारे इतिहास का एक टच भी रहेगा। अब माइथोलॉजिकल गलत वर्ड है, हमारा इतिहास। तो उससे रिलेटेड ये एक मूवी खोज रहे थे और अगर सारी चीज़ें अच्छी रहीं, सब कुछ ग्रीन सिग्नल की तरफ जाता दिखा, तो शायद से प्रशांत वर्मा की जो अगली कोई भी पिक्चर की अनाउंसमेंट आएगी या शायद से रणवीर सिंह की अगली पिक्चर की कोई अनाउंसमेंट आएगी तो उसके डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ही रहेंगे और वो एक माइथोलॉजिकल यानी कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई पिक्चर रहेगी। जहाँ पे अगली खबर थोड़ी सी शॉकिंग आती है, वो आती है एंग्री रैंट मैन, यानी कि
अभरदीप साहा, उनका देहांत हो चुका है, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। और जिन्हें नहीं पता है वो कौन है, तो तुम लोगों ने डेफिनेटली KGF के टाइम पे ये वाला मीम ज़रूर देखा होगा। तो उनका देहांत हो गया है और कई सारे लोगों ने उस पर शोक भी जताया है। तो दैट्स बिट शॉकिंग फॉर एवरीवन। जहाँ पे बढ़ते हैं भाई अगली खबर की तरफ, जो कि आती है तृप्ति डिमरी से। तो तृप्ति डिमरी की जो अगली मूवी होने वाली है, यानी कि विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो, यानी कि ये पूरा एक टाइटल है, उसका जो डेट है, यानी कि उस मूवी का जो रिलीजिंग डेट है, वो सामने आ चुका है, जो है 11 अक्टूबर 2024। जहाँ पे भाई इसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग भूल भुलैया 3 भी आ सकती है, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ आ सकती है। जहाँ पे अगर तुम्हें तृप्ति डिमरी की जितनी भी मूवीज़ अगले 2 से 3 सालों में आने वाली है वो जाननी है, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है भाई। जहाँ पे भाई ये थी इस हफ्ते की सारी खबरें। अब तक तुम पूरी तरह से अपडेटेड हो चुके होगे सिनेमा जगत से। जहाँ पे मैं हूँ राहुल, तुम देख रहे हो RP बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।